हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी फैबी पायरेविर के बारे में। ये फैबी पायरेविर क्या है और ये कैसे इफेक्ट करती है, इसके बारे में कंप्लीट अगर नॉलेज लेनी हो तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले ये फैबी पायरेविर है, ये क्या है? ये एक ड्रग है। क्या है ये? एक ड्रग। ये एक ड्रग है और ये लॉन्च्ड बाय द ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसने लॉन्च किया, ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। अब किसी भी ड्रग को जब मार्केटिंग करनी हो या उसको मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो कहीं ना कहीं तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कौन अप्रूवल करता है इनको? अप्रूव्ड बाय द DGCI। DGCI क्या है? DGCI की फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने के लिए कौन अप्रूवल करेगा? ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अब जब ये ड्रग है, ये किसी मार्केट में किसी न किसी नाम से तो आएगी, तो उसका नाम क्या है? तो ये नाम भी है फैबी फ्लू। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले कि ये लॉन्च कौन करेगा, इसको अप्रूवल कौन देगा और इसका ब्रांड का नेम क्या है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस ड्रग के लिए आप कितना पे करना होगा? तो आपको पे करना होगा 103 रुपीज़ पर टेबलेट। यानी इसकी जो प्राइस है ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन में बहुत आसपास ही इसके ऑप्शंस में देगा। जैसे 102 लिख दिया, 103 लिख दिया, 104 लिख दिया, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट इसकी प्राइस याद रखनी है कि 103 रुपीज़ पर टेबलेट। इस टैबलेट है, अगर 34 टैबलेट्स हों तो उसकी प्राइस है 3500 रुपये, यानी 3500 रुपये। अब ये क्या है? एक ड्रग। मैंने अभी बताया था आपको ये क्या है, एक ड्रग। ड्रग है ये, वैक्सीन नहीं है। जब भी वैक्सीन इसका कोई आता है, मैं नया वीडियो फिर से अपलोड करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको बताया था, मैंने जब लास्ट कोविड की बताया था, कोविड के बारे में पूरा, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं इसका कोई भी ड्रग या वैक्सीन आएगी तो उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो ये भी ड्रग आई है, वैक्सीन नहीं है। ये कैसी ड्रग है? प्रिस्क्राइब ड्रग। प्रिस्क्राइब ड्रग क्या होती है? ऐसी ड्रग जो केवल किसी डॉक्टर के सुपरविजन में दी जाए, तो उन ड्रग को हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब ड्रग। तो इसी तरह ये जो फैबी पायरेविर है, ये ड्रग है, ये प्रिस्क्राइब ड्रग है, इसको केवल डॉक्टर के सुपरविजन में ही ले सकते हैं। कंट्री ऑल्सो यूज इट। क्या दूसरी कंट्री भी इसको यूज़ कर रही है? तो हाँ, जापान है, वो इस मेडिसिन को यूज़ कर रही है, पर वहाँ पर इसका नाम क्या है? एविगन या एविगन। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जापान में इसको 2014 में ही अप्रूवल मिल गया था। वहाँ पर ये किस बीमारी को ट्रीट कर रही थी? इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने में यूज़ की जा रही थी, लेकिन इसका नाम वहाँ पर क्या था? एविगन। ये नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। अब इसका जेनेरिक नेम क्या है? तो इसका जेनेरिक नेम है एविफैविर। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हो तो इसको जेनेरिक नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जेनेरिक नेम क्या है। क्या ये ड्रग गेम चेंजर हो सकती है? बहुत से लोग इसको गेम चेंजर की संज्ञा दे रहे हैं, तो क्या ये गेम चेंजर हो सकती है? हाँ, ये हो सकती है क्योंकि ये क्या है? एक ओरल ड्रग, ये वैक्सीन नहीं है। ये क्या है? ड्रग और गेम चेंजर हो सकती है। ये इजी टू एडमिनिस्टर, इसको घर पर ही लिया जा सकता है। ये पहली ड्रग है जो किसमें बनी है? इंडिया में। ड्रग तो बहुत सारी कोविड के लिए चल रही थी, लेकिन जो ऐसी ड्रग इसको फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिला है, तो ये इसीलिए ये ड्रग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये क्या है? गेम चेंजर है। ये सीवियर पेशेंट्स के लिए नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स है, उनको 4 दिन में लगभग आइडिया है कि 4 दिन में ये वायरस को किल कर देगा। वर्क, ये वर्क कैसे करती है? इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ वायरल रेप्लिकेशन टू रिड्यूस वायरल लोड। यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो कोरोना का जो वायरस है वो किससे बना है? RNA से। तो ये वायरस क्या करता है? अपने जैसे कई सारे RNA बना लेता है रेप्लिकेशन के थ्रू। तो ये जो रेप्लिकेशन है, इस प्रोसेस को क्या कर देती है? रोक देती है ये जो ड्रग है। इसीलिए वायरस की जो लोड है वो कम हो जाता है बॉडी में, और इस तरह से वायरस धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करने लग जाता है। अगर इस ड्रग का अर्ली यूज़ किया जाए, एंटीवायरल ड्रग का, तो कैन कंट्रोल ए हाई रेट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। तो वायरस के रेप्लिकेशन को ये अगर जल्दी यूज़ कर ले तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर सकता है। इसलिए कहा है कि माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में तो ये वर्क करेगी, लेकिन सीवियर कंडीशन में ये वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये है, अगर आपको कोविड के बारे में पूरी जानकारी लेनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हो। कोरोना के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी।
और ये क्योंकि कोरोना है, उसको COVID-19 क्या है उसके बारे में सारी जानकारी आपको उसी वीडियो में मिलेगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि ये वायरल के रेप्लिकेशन को कैसे कम कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नए नए वीडियो का आप अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करते रहें नए नए वीडियो देखकर। थैंक यू सो मच।